चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज शुक्रवार को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। उनकी आज मुलाकात हुई। अजीत डोभाल से मिलकर वांग यी ने उनको चीन आने का न्योता भी दिया। दोनों देशों ने माना कि बॉर्डर पर शांति के लिए सेनाओं का पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह दौरा काफ़ी अहम है। पाकिस्तान में हुए ओआईसी समिट में चीन ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई थी। कल दोपहर तक वांग यी के भारत दौरे पर सस्पेंस बना हुआ था, पर शाम को जब वह काबुल में तालिबान से मीटिंग करके दिल्ली पहुंचे, एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों ने माना है कि तनाव तब ही कम हो सकता है जब एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को घटाया जाए। माना गया है कि पहले सैनिकों का पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में यह कहा गया है कि आगे बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए बातचीत के लिए बाकी हिस्सों से सैनिकों का पीछे जाना और अवरोधों का हटाया जाना ज़रूरी है। डोभाल ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात किसी के भी हित में नहीं हैं और शांति से ही दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास जागेगा। मीटिंग में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर सकारात्मक बातचीत का समर्थन किया गया है, जिससे शांति को बहाल किया जा सके। जल्द से जल्द बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर भी जोर दिया गया है। एनएसए संघ मीटिंग के आखिरी में चीनी विदेश मंत्री ने डोभाल को चीन आने का न्योता भी दिया है। डोभाल ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा है कि जैसे ही जरूरी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे, वैसे ही वे चीन का दौरा करेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।